क्राइटेरिया ऑफ satisfactory एवरेज टाइप्स ऑफ averages arithmetic मीन फॉर ungrouped डेटा एंड देन वी have studied अबाउट वेटेड arithmetic मीन ठीक है और उस पर हमने एग्जाम्पल भी किए थे आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन ठीक है अरथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज के बारे में जो है हम पढ़ेंगे तो अरथमेटिक मीन प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि वाट इज़ द डिवियशन ऑफ अरथमेटिक मीन कि डिविएशन से हम क्या मतलब लेंगे डिविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन हम किस चीज़ को कहेंगे तो डिविएशन असल में के हम कहते हैं अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो इसको हम कहते हैं इनहराफ इनहराफ मीनस डेटा जो है वो असल में जो मीन वैल्यू है एवरेज है उससे कितना इनहराफ करते हैं और किस डायरेक्शन में करते हैं उससे कम है या ज्यादा है और कम है या ज्यादा है तो कितना ज़्यादा है और कितना कम है सो द डिफ्रेंस बिटवीन आ डेटा अगर सिट ऑफ डेटा है हमारे साथ उसमें आपने एक डेटा सेलेक्ट किया तो उसका डिफरेंस एंड द वैल्यू ऑफ द डेटा मीन वैल्यू और उस डेटा के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कहेंगे डिविएशन ऑफ द डेटा ठीक है फॉर एग्जाम्पल द मार्स अपटेन बाय नाइन स्टूडेंट आर गिवन बिलो ये एग्जांपल हमने पहले भी किया था ठीक है अगर ये नाइन स्टूडेंट्स के मार्क्स से फोर्टी फाइव थर्टी टू थर्टी सेवन फोर्टी सिक्स तो सबसे पहले हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन इसका है फोर्टी ठीक है एक्स बार इज इक्वल टू फोर्टी तो ये अरिथमेटिक मीन है इस डेटा का नाउ वी विल फाइंड द डिविएशन ऑफ अ डेटा फ्रॉम दिस डेटा सो टेक 37 फ्रॉम द डेटा देन द डिविएशन ऑफ 37 फ्रॉम द मीन 40 इज गिवन बाय तो हम इसको इस तरह मालूम करेंगे कि डिविएशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डीएक्स एंड डीएक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार एक्स इज द डाटा एंड एक्स बार इज द एवरेज मीन अरिथमेटिक मीन ठीक है तो एक्स की जगह हम 37 पुट करेंगे और बार एक्स बार की जगह मीन मीन की जगह जो है हम 40 पुट uh, करेंगे 37 सेवन माइनस फोर्टीज इक्वल टू माइनस थ्री तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थर्टी सेवन है ये असल में एवरेज मीन जो है अरिथमेटिक मीन जो है उससे डिविएशन इसने किया है कितना माइनस थ्री निगेटिव थ्री मीन्स एंड द निगेटिव डायरेक्शन तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये फोर्टी से लेस है ठीक है, थ्री यूनिट्स उससे लेस है तो इसका डिविएशन आया सिमिलरली अगर हम दूसरा वैल्यू लेते हैं बड़ी है ठीक है तो इसका डिविएशन फोर्टी से कितना है पॉजिटिव सेक्स और थर्टी सेवन का डिविएशन फोर्टी से कितना है माइनस थ्री तो दिस इज कॉल्डिएटिक डिविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मी ठीक है अगर हम इस तरह एक टेबल बनाए सारे जो सारा डेटा है उसके बारे उसके लिए तो 45, फाइव 37, 46, 39 ये मुकम्मल डेटा है और इसका जो है हर एक डेटा का हमने डिविएशन पैंट किया है डिविएशन बराबर होकर यह एक चीज एक्स माइनस एक्स बार सो इस यहाँ पर जो है एक्स बार हमारे साथ फोर्टी है तो एक्स माइनस फोर्टी हर टेबल या हर एग्ज़ाम्पल में हम फोर्टी नहीं लेंगे फोटी इसलिए हमने यह भी लिया है कि ये मीन है ये एवरेज एवरेज है या अरिथमेटिक मीन है तो डेटा का

वैल्यू क्योंकि ये बास फार्मूला में फिर हम यूज कर सकते हैं ठीक है अच्छा <coughs>

तमाम डिविएशन जितने होते हैं डेटा के उसको अगर हम ऐड करते हैं तो उससे क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा किस तरह मीन इज इक्वल टू एक्स ठीक है और इंडिविजुअल डेटा इसको हम अप्रूव करते हैं ना फॉर एग्जांपल में हमने अर्थमेटिक मीन लिया एक्स बार और इंडिविजुअल डेटा जो है वो एक्स आई है मतलब एक्स आई का मतलब है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव जितना भी डाटा हो अगर टेन तक होता है तो एक्स टेन एन डेटा है तो एक्स एन ठीक है तो ये इंडिविजअल डेटा है और ये क्या है एवरेज uh, मीन है अर्थमेटिक मीन है तो अभी डिविएशन ऑफ देश डेटा डी एक्स आई किस चीज के बराबर होगा वो बराबर होगा एक्स आई माइनस एक्स बार का एक्स आई माइनस एक्स बार तो डिविएशन सम ऑफ डिविएशन जो है डी एक्स आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार तो इसको सम sum करेंगे समेसन अप्लाई करेंगे जितना भी डाटा है डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री डी एक्स फोर जितना वो कालम में होता है ना तो उसको ऐड करेंगे तो सम ऑफ डिविएशन विल बी इक्वल टू समेशन ये सम इसका बन जाएगा और फिर इस पर भी समेशन अप्लाई करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार तो इस जो टर्म है ये जो एक्सप्रेशन है इस पर हम समेशन अप्लाई करेंगे ठीक है तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई इस पर अलग से अप्लाई करेंगे और फिर समेशन ऑफ एक्स बार पर अलग से अप्लाई करेंगे ठीक है ये समेशन का जो है रूल है कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो आ, किसी एक्सप्रेशन में तो समेशन हर एक को जो है अलग अलग से हम अप्लाई करेंगे तो ये समेशन एक्स आई आ जाए आएगा और ये माइनस समेशन एक्स बार नाउ नेक्स्ट समेशन एक्स आई माइनस समेशन एक्स बार जब भी एक कांस्टेंट को हम उस पर समेशन अप्लाई करते हैं तो एन टाइम कांस्टेंट आ जाता है आई स्टार्ट प्रामन ऑफ टू एन ये असल में ये समेशन जो है, है हम आई स्टार्ट फ्राम ऑफ टू एन अप्लाई करते हैं वो मैंने यहाँ पर सब्सक्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट नहीं लिखे लेकिन ये याद रखो कि ये मैंने आई स्टार्ट प्राम ऑफ टू एन जब भी हम समेन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इस केस में फाइन एड हम लेंगे ठीक है तो आई स्टार्ट फ्रॉम ऑफ एन जब एक कांस्टेंट पर हम समेन अप्लाई करेंगे तो उससे एन एक्स बार आ जाएगा ठीक है अगर आप इसको इस तरह करेंगे फॉर एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल मैं टू को तीन बार एड करता हूं ठीक है तो इसको मैं इस तरह भी देख सकता हूँ कि टू को अगर तीन बार ऐड करना है तो इसको इसका मतलब ये थ्री टाइम टू तो इससे क्या जाएगा? आ जाएगा सिक्स आ जाएगा ठीक है अगर इसको आप डायरेक्ट लेट कर तो तू प्लस तू प्लस तू टू प्लस टू प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स और अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे थ्री टाइम टू इज इक्वल टू सिक्स तो इससे भी सिक्स आता है तो जब हम कांस्टेंट को जितनी बार ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि उस उ, जितनी बार ऐड करेंगे तो उसको इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर ले मतलब अगर इसको आप एन टाइम्स ऐड करना चाहते हो तो एन टाइम टू लिख लो अगर एड टाइम्स ऐड करना चाहते हो तो एड टाइम्स टू लिख लो तो ये जो है ये बराबर आ जाएगा तो ऐसा यहाँ पर समेशन एक्स बार एक्स बार असल में एक मीन है एवरेज है उसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती जिस तरह एग्जाम्पल में किया है वही फोर्टी होगा इसमें, तो इसमें मौजूद है, तो है तो इस पर हम समेशन अप्लाई करेंगे और यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पर जब समेशन अप्लाई होगा तो एन टाइम कांस्टेंट आ जाएगा तो यहाँ पर इसलिए एन टाइम एक्स बार आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम करेंगे इसको इसमें एक स्टेप करेंगे इसको जो है अच्छा नाउ समेशन एक्स आई तो ये समेशन एक्स आई अपनी जगह पर और एन एक्स बार की जगह मैंने समेशन एक्स आई लिखा क्यों लिखा इस स्टेप से लिखा यहाँ पर अगर आप देख ले तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डिड बाई एन ये असल के असल में अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है वही है बार इज इक्वल टू समेशन डिवाइड बाई एन अगर एन को मैं लेफ्ट साइड पे ला के इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ से एन खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा तो एन एक्स बार आ जाएगा मतलब बोथ हैंड साइड को हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एन एक्स बार बन जाता है और दिस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई रह जाएगा क्योंकि एन एन के साथ कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो इसलिए हमने एन एक्स बार की जगह समेशन एक्स आई लगाया है नाउ समेशन एक्स आई एंड समेशन एक्स आई दोनों को सब ट्रैक करके जीरो आ जाएगा तो ये जो प्रॉपर्टी थी वो यही थी कि अगर आप जितनी भी डिविएशन है उसको पॉइंट कर लो और फिर सारे डिविएशन को अपने प्रॉपर साइन के आ, के मुताबिक उस सबको फिर एड करो तो उसकी एडिशन से क्या आएगा जीरो आ जाएगा इस पर हम हग्जाम्पल करेंगे द मार्स टेन बाई नाइनटी टे, नाइन स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो वही एग्जाम्पल हम लेंगे ठीक है और इस पर जो है हम ये फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे इसके लिए हमने ऑलरेडी एथमेटिक मीन पॉइंट किया था वो था फोर्टी ठीक है अब ये टेबल ले लो तो ये वैल्यूज़ है ठीक है, है ये इसकी जो है डी एक्स है ये वैल्यूज है और ये इसके डी एक्स है तो अभी इस डी एक्स को अगर हम ऐड करेंगे ठीक है इसको अगर हम ऐड करेंगे 45 के लिए डी एक्स आया है डिविएशन 5 32 के लिए माइनस एट थर्टी सेवन के लिए माइनस थ्री फोर्टी सिक्स के लिए सिक्स अब इन सारों को अगर हम ऐड करेंगे देखिए फाइव जो पॉजिटिव है उसको ऐड कर, करते हैं तो फाइव

माइनस सिक्सटीन और माइनस फोर माइनस ट्वेंटी सो ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो जो ये जो प्रॉपर्टी थी प, आ, पहले स्लाइड में इससे पहले स्लाइड में तो वो हमने प्रूव की कि अगर हम सारी वैल्यूज़ के लिए डिविएशन पाइन करते हैं और उसको अपने प्रॉपर साइन के आ, साथ लिखते हैं और फिर उसको हम ऐड करते हैं तो उससे क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा तो ये अरेथमेटिक मीन की एक प्रॉपर्टी हमने आ, कर ली है ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ अरेथमेटिक मीन द सम सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी द सम ऑफ स्क्र डिविएशन ऑफ द एक्स आईज फ्रॉम द मीन एक्स एज मिनिमम ठीक है जो हम डिविएशन का डिविये uh, पैंड करते हैं और फिर उस डिविये का स्क्र लेते हैं तो वो डिविएशन असल में एक्स आई फ्राम द मीन जो डिविएशन है वो मिनिमम होगा मतलब अगर मीन की बजाय वज़ा, अगर अरिथमेटिक मीन के बजाय आप किस कोई दूसरी वैल्यू उठाए उस डेटा से तो वो ज़्यादा आ जाएगा और अरिथमेटिक मीन पर ये मिनिमम आ जाएगा ठीक है अभी देखते ये इसका मतलब क्या है कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर देखें आप लोगों ने हर एक वैल्यू के लिए डिविएशन पैंट करना है फिर उस डिविएशन को स्क्वायर करना है स्क्वायर के बाद फिर सारी जितने भी डिविएशन डेटा के लिए आते हैं उसको फिर ऐड करना है ठीक है ये yes, स्टेप करना है अच्छा फिर दूसरा क्या करना है मीन वैल्यू के बजाय आपने किसी दूसरी वैल्यू को सेलेक्ट करना है यहाँ पर ए एनी भी एनी वैल्यू कैन बी टेकन फ्रॉम द डाटा ठीक है मीन की जगह कोई दूसरी वैल्यू अगर हम लेते हैं मीन नहीं लेते और उस दूसरी वैल्यू के मुताबिक हम हर हर एक के वैल्यू की डिविएशन फाइंड करते हैं यहाँ पर ये डिविएशन फ्रॉम द मीन है और ये जो है डिविएशन फ्रॉम एनी वैल्यू ए है ठीक है और फिर उस वैल्यू को स्क्वायर करते हैं और उस ये इस प्रोसेस हर एक डेटा के लिए करते हैं और फिर सारों को ऐड करते हैं तो दोनों से एक वैल्यू आ जाएगी तो ये कहते हैं कि मीन के लिए जो आप डिविएशन पॉइंट करते हैं वो असल में मिनिमम होगा फॉर एनी अदर वैल्यू ठीक है इसका मतलब क्या हैज एनी आर बेटर वैल्यू अदर देन द मीन ठीक है ये कोई दूसरी वैल्यू है हम इसको देखें टेबल की शक्ल में तो ये वही डेटा है ठीक है डेटा के लिए हमने मीन फाइंड किया 45 45 माइनस फोर्टी तो इसका 5 इसका माइनस एट माइनस थ्री सिक्स माइनस वन माइनस फोर वन एट माइनस फोर इसी तरह तो ये जो है इसका मतलब वो डिविएशन है फ्रॉम दी मीन 40 फिर उसका हम स्क्वायर लेंगे तो 5 का स्क्वायर लेके 25 -8 माइनस एट का स्क्वायर लेंगे 64 -3 माइनस थ्री का स्क्वायर करके 9 6 का स्क्वायर करके 36 तो ये वही टर्म आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सिमिलरली ये टेबल मैंने डायरेक्ट किया हुआ है ठीक है लेकिन यहाँ पर आपने करना किस तरह है मैंने ए लिया है फोर्टी वन यहाँ पर मैंने फोर्टी लिया था अब ये कहते हैं अगर फोर्टी के बजाय आप कोई दूसरी वैल्यू लू उठाई तो मैंने फोर्टी वन उठा लिया ठीक है फोर्टी टू भी उठा सकते हैं थर्टी एट ले लो थर्टी नाइन ले लो फोर्टी फाइव ले लो जो भी लेते ले हो तो मैंने फोर्टी वन लिया है ठीक तो है थीके? तो फोर्टी वन के लिए फिर हम जो है मीन डिविएशन पैंट करेंगे तो अभी हमने 45 से क्या माइनस करना है 41 तो 45 से 41 माइनस करके क्या आ जाता है फोर आ जाता है फिर फोर को आपने जो है स्क्वायर करना है तो उससे 16 आ जाएगा यहाँ पर मैंने वो स्टिप नहीं लिखा है लेकिन सिमिलरली फिर 40 32 से आपने किया सब करना है 41 वन सब करना है तो यहाँ पर क्या आ जाता है नाइन आ, आ जाएगा माइनस आ जाएगा ठीक है फिर माइनस को स्क्वायर करके एटी आ जाएगा ठीक है तो ये स्टेप आपने खुद करना है देखे हर एक वैल्यू से आपने क्या सब्ट्रैक करना है फोर्टी वन फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी वन ठीक है फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी वन करेंगे तो फिर उससे जो भी वैल्यू आ जाएगी उसको आप स्क्वायर करेंगे फिर फोर्टी थर्टी टू माइनस फोर्टी वन तो थर्टी टू माइनस फोर्टी वन अगर आप करेंगे देखे तो इससे आ जाएगा थर्टी टू तो एट और वन नाइन तो इससे नाइन आ जाएगा क्योंकि फोर्टी वन से अगर थर्टी टू एट करके तो नाइन माइनस नाइन आ जाएगा नेगेटिव नाइन पर स्क्वायर लेके तो उससे क्या आ जाएगा एटी uh, वन आ जाएगा सिमिलरली या सिर सिक्सटीन या ट्वेंटी फाइव फोर ट्वेंटी फाइव वगैरह ये सब आ जाएगी तो अगर इन सारों को हम ऐड करेंगे तो उससे आता है टू थर्टी टू और इन सारों को अगर ऐड करते हैं तो उससे आता है टू फोर्टी वन तो अब कौन बड़ा है कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छूटी है तो ये छूटी है सो तो, मीन so, के लिए जो हम डिविएशन पैंट करते हैं और उस पर स्क्वायर लेते हैं फिर उसको सम करते हैं तो वो मिनिमम आते हैं किसी भी दूसरी वैल्यू के लिए अगर आप कोई मीन की जगह फोर्टी वन लेते हैं कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं और उसी के लिए सेम प्रोसेस करते हैं उसी के मुताबिक डिविएशन पैंट करते हैं फिर को स्क्वायर करते हैं तो वो क्या है कि इससे मीन मीन के लिए जो प्राइस आपने किया था उससे वो बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये है ठीक है अच्छा तो यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी था क्योंकि फिर वीडियो के जो मतलब लेंथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है और अपलोड करने में फिर मसला होता है तो यहाँ तक काफी था और बाकी दो प्रॉपर्टीज़ इसी लेक्चर के हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में इन तो वीडियो के दूसरे पार्ट में आप लोग आ, जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ अथमेटिक मीन के दो और प्रॉपर्टीज़ है वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है वसलाम